फ्रेंड्स स्वागत है एक नई वीडियो में। उसका टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स मेरे पास इन्फिनिक्स का फोन है, शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपको यहीं पर दिख जाता है और सिस्टम नेविगेशन और फ्रेंड्स रीसेट ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगी। और उसके बाद आपको रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल ब्लूटूथ इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से नेटवर्क रीसेट करने से आपके में जो भी होता है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड अगर ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट कर रहे हैं तो इसमें नेटवर्क एंड वाईफाई कनेक्ट है और तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस इसमें आपके फ़ोन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी है कनेक्ट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड दोबारा कनेक्ट करते हैं एकदम फास्ट और सही चलता है। एंड ऊपर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा कोई सा भी तो फ्रेंड्स एक बार रिसेट कर देंगे। यहाँ से रिसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे एंड जो भी स्क्रीन लुक लगा रखे हैं इसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर रिसेट कर देंगे दोबारा से। उसके बाद आपको इसको बैक करना है। नेटवर्क रिसेट हो चुका है एंड ब्लूटूथ प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।